नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि ऐसी भूसंपत्ति जहां बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है, उसे किस रूप में जाना जाता है। और आपके ऑप्शन है नंबर 1 किचन गार्डन, नंबर 2 बागवानी खेती, नंबर 3 झूम की खेती और नंबर 4 उत्पाद की खेती। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं और जीते एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। आइए रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। प्याज के दाम से परेशान किसान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात, उपहार में देंगे एक टन प्याज। बीमा क्लेम ना मिलने पर किसानों ने किया कृषि कार्यालय का घेराव, राशि ना मिलने पर करेंगे आंदोलन। हिमाचल प्रदेश की सरकार बेखौफ, कुल्लू की सब्जी मंडी में टेंट के नीचे हो रहा करोड़ों का कारोबार। यूपी सरकार ने उद्यान विभाग को दिया आदेश, सिंचाई योजना में मिलेगा 90% तक का अनुदान। सरस्वती एग्रो लाइफ साइंस का एस फ्लोर फैन उत्पाद किसानों के लिए है फायदेमंद। एजे के सहयोग से कृषि जागरण द्वारा एफटीजी के अंतर्गत ट्रेनिंग सेशन का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संघ के संस्थापक अध्यक्ष भरत गोले ने बताया कि प्याज की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए हम लोग नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। उनके सामने प्याज के दामों को लेकर एक नीति बनाने के साथ ही अपनी समस्या उनके सामने रखेंगे। भरत गोले ने बताया कि इस अवसर पर वो प्याज उत्पादक संघ की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक टन प्याज उपहार में देंगे। हरियाणा के सिरसा जिले में साल 2020 और 21 के बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर विभिन्न गांवों के किसानों ने कृषि विभाग के उपनिदेशक कार्यालय के सामने एक धरना दिया। किसान नेता ने बताया कि कृषि उपनिदेशक बाबूलाल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि 15 अगस्त तक क्लेम की राशि उनके खाते में डाल दी जाएगी। किसान नेता ने कहा कि यदि निर्धारित समय अवधि में क्लेम राशि खातों में नहीं आई तो 16 अगस्त को कृषि विभाग के कार्यालय के सामने पक्का धरना शुरू करेंगे। सरस्वती एग्रो लाइफ साइंस ने हाल ही में SA फ्लोर फैन नामक उत्पाद लॉन्च किया है जो उच्च गुणवत्ता का कीटनाशक है। आपको बता दें कि कपास में होने वाली सफेद मक्खी को खत्म करने में ये उत्पाद लाभकारी साबित हो रहा है। तो वहीं कृषि जागरण द्वारा किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं और इसी के चलते आज भी एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया AJA के सहयोग से ट्रेनिंग सेशन बैच नंबर 8 आयोजित किया गया, जहां देश के कई राज्यों के किसानों ने कृषि जागरण और एग्रीकल्चर वर्ल्ड के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ एलसीडोमिक से बातचीत की। तो वहीं कृषि जागरण के COO डॉक्टर PK पंत ने भी किसानों को मार्गदर्शन दिया। एक्सपर्ट लोग आपको थोड़ा गाइडेंस देंगे कैसे हमें रिपोर्ट करना है, कैसे काम करना है, और हमारा मार्केटिंग एक्सपर्ट है मृदुल जी, वो आपको थोड़ा आइडिया देंगे हम मिलकर कुछ बिजनेस आपको कैसे दिलवा सकते हैं गांव के लिए। तो अब ये देख लो गांव बैठ के 1-2 हजार 3 हजार महीने हमारे एक्स्ट्रा इनकम आएगा, अच्छा है। सो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के एटा जिले में ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना के लिए शासन ने किसानों का चयन करने के लिए उद्यान विभाग को आदेश जारी कर दिया है। और इसमें सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में लघु सीमांत श्रेणी सहित अन्य तरह के किसानों का चयन किया जाए। आपको बता दें कि किसानों को अपनी इच्छा अनुसार सिंचाई पद्धति के उपकरण खरीदने की आजादी है। सरकार ने उद्यान विभाग को 885 हेक्टेयर जमीन का लक्ष्य दिया है। वहीं उद्यान निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि योजना से किसानों को लाभ देने के लिए उनका चयन करना शुरू कर दिया गया है और योजना में अधिकतम किसानों को 90% तक अनुदान दिया जाना निर्धारित है। अनुदान की राशि किसानों को DBT के माध्यम से दी जाएगी। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले स्थित पतली कुहल में पुरानी फल सब्जी मंडी बनी थी और उसमें यार्ड भी बनाए गए थे और वहां पर कम जगह होने के कारण 4 साल पहले नई जगह मंडी स्थानांतरित की गई। और इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी पतली कुहल फल सब्जी मंडी के भवन के लिए घोषणा की थी, लेकिन अभी तक ये बात इससे आगे नहीं बढ़ पाई है और यहाँ पर बागवानों को या तो सड़क किनारे वाहन खड़े करने पड़ते हैं या फिर निजी भूमि पर 50 रुपए शुल्क देकर वाहन को पार्क करना पड़ता है। पतली कुहल फल सब्जी मंडी में टेंट में ही करोड़ों रुपयों का कारोबार किया जा रहा है। मंडी के लिए अभी तक भवन नहीं बनाए गए हैं। अस्थायी दुकानें ना होने के कारण हर साल बारिश के दौरान किसान और बागवानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
कृषि जागरण आए दिन किसानों के लिए नई नई पहल करता रहता है और उन्हीं में से एक है फार्मर द जर्नलिस्ट, एम्पावरिंग जर्नलिज्म विद द फार्मर्स, जिसमें किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। और वहीं इससे जुड़े फार्मर द जर्नलिस्ट शोभाराम ने अपनी वीडियो कृषि जागरण के साथ शेयर कर बताया कि कैसे बारिश में भी बैंगन की सफल खेती की जा सकती है। बारिश में बहुत बेहतर उत्पादन देगा, बारिश में बैंगन की सब्जी बहुत अच्छी बिकती है। इसमें एक बार लगाने पे हर पौधे में कम से कम 5 से 7 किलो का फल आ जाता है। ये दिसंबर तक बहुत बढ़िया चलेगा। बैंगन की खेती किसान के लिए सबसे बेहतर होती है, जो काफ़ी लंबे समय तक चलती है। इसमें बराबर पैसा किसान को मिलता रहता है। उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने जा रही है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश और बिहार में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश देखने को मिल सकती है और वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।